अल्लाह ने फरमाया जिब्रील तेरी बीवी है, अर्ज की थी या अल्लाह कोई नहीं, अल्लाह फरमा तेरे बच्चे या अल्लाह कोई नहीं, फरमा तेनु खाने पीने की फिक्र, अर्ज की थी या अल्लाह कोई नहीं, फरमा तेरी दुकान, अर्ज की थी या अल्लाह कोई नहीं, फरमा तेरा कारोबार, अर्ज की थी या अल्लाह कोई नहीं, अल्लाह फरमा तेरा है ही कोई नहीं, पर जदों मेरे यार दे गुलाम ने नफल पढ़ने आना है, उन्हें नमाज पढ़ने आना है, उन्हें बीवी छड़ के आना है, बच्चे छड़ के आना है, दुकान बंद करके आना है, कारोबार छड़ के आना है, उन्हें नींद कुर्बान करके आना है। अल्लाह फरमाया जिब्रील दस तेरे 70,000 साल वेखा के यार दे गुलाम दियां कुर्बानियां वेखा। एक दिन हजरत मूसा कलीम अलैहि सलाम तो रात दी तिलावत कर रहे, ते तिलावत कर दिया कर देना, एक उम्मत दा जिक्र आया। हजरत मूसा दी उम्मत दा कानून ए सी कि जेड़ा रात नो गुनाह कर दे ना छुप के, ओ सवेरे उठदा ते ओदे दरवाजे दे उपर लिखया हुंदा कि इन्हें रात फलां गुनाह कीता सी। उस उम्मत का कानून ने लिखा कि मूसा की उम्मत गुना छुप के कर दिए तो रब जाहिर कर देता है, उस उम्मत ने गुना जाहिर करने ने तो रब ने पर्दे ही पाई जाने ने। हजरत मूसा ने तरला लैके अर्ज की या अल्लाह कदे आ उम्मत मैनू दे दे ना। अल्लाह फरमा किवें दे देवां, ये तो कमली वाले देने। अच्छा हजरत मूसा ने अगला वर्क उल्टिया ना, उ एक होर उम्मत की शान लिखी। हजरत मूसा की उम्मत वास्ते कानून ऐसी कि जिन्हें सदका देना ना वो खुले मैदान सदका रख के आवे, आसमान तो एक बिजली आती है, या तो सदका नाल लै जाती है या जला दें, तो जिदा सदका कबूल नहीं उत्थे ही गल सड़ जाता है, सारे जमाने नो पता लग जाता है इहदा सदका अल्लाह ने कबूल नहीं किया। तो उस उम्मत का कानून की लिखा है जे सदका देना ना तो किधरे रखने की लोड़ नहीं, एक दूसरे को देख के खाई पी भी जाओ कबूल ही कबूल है। हजरत मूसा ने बड़ा खुश होकर अर्ज की चलो वो नहीं तो आ उम्मत मैनू दे दो। अल्लाह फरमा किवें दे देवां, ये तो कमली वाले देने। अच्छा अगला वर्क उल्टिया ना तो उत्थे एक होर उम्मत का जिक्र लिखा। हजरत मूसा की उम्मत का कानून की है कि अगर किसी ने तौबा करनी है ना, गुनाह हो गए तो अल्लाह ने कानून बना दिया, फरमा एक गुनाहगार दूसरे को कतल करे फिर माफी देवगा, कतल करो एक दूसरे को। उस उम्मत का कानून की लिखा, गुनाह हो जाए नुकरे लग जा, एक सजदा एक थरू ते माफी। अल्लाह के नबी मूसा कलीम ने बड़ा खुश होकर अर्ज की चलो जी आ मैनू दे दो। अल्लाह फरमा किवें दे देवां, ये कमली वाले देने। तुसी थोड़ा होर रौला बोलो, बार आवाज बिल्कुल नहीं जानी चाहिदी, ते हाथ नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ही ना हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह नबी मूसा अलैहि सलाम तो रात मुतालिया करी जा रहे नौजवान, अगले बरक दे देखो होर उम्मत जिक्र आया। मूसा अलैहि सलाम दी उम्मत दा कानून है भाई, जेड़ा 100 रुपया कमावे विच 40 रुपये जकात देवे, उस उम्मत दा कानून है वे जेड़ा 100 कमावे साल दे बाद वो 250 रुपये जकात निसाब दे हिसाब नाल देवे। अर्ज कीती या अल्लाह ए उम्मत मैनू दे दे। अल्लाह फरमा किवें दे देवां, ए ते कमली वाले दी उम्मत है। अल्लाह दे नबी हजरत मूसा ने बरक उल्टिया, हजरत मूसा दी उम्मत दा कानून है वे जे जिस्म पलीद हो जाए, जिस्म दा कोई हिस्सा पलीद हो जाए, कपड़ा पलीद हो जाए, वो कपड़े नु जला दियो फिर पाक होवेगा, जिस्म दा हिस्सा पलीद हो जाए ओनु कट दियो फिर पाक होवेगा। उस उम्मत दा कानून है वे अगर कपड़ा या जिस्म पलीद हो जाए पानी बहा दियो पाक ही पाक है। अर्ज कीती या अल्लाह ए उम्मत मैनू दे दे। अल्लाह फरमा किवें दे देवां, इते कमली वाले देने। हजरत मूसा ने तो रात बंद की थी, ते हाथ चुके कहते नहीं या अल्लाह जे उम्मत मैनू नहीं देनी ते मैनू मुहम्मद उम्मती बना। इतना बड़ा इतिमा पढ़े लिखे नौजवान, मैनु सच्ची दसो तुसा या मैं दुआ की या अल्लाह सानू कमली वाले का गुलाम बनावी? नहीं ना, नबी दुआवां करन मुहम्मद दा उम्मती बना दे, ते तेन बगैर दुआ दे रब मुहम्मद दा उम्मती बना दे, तू अजे भी पुछना मिलाद मनाना कितने लिखे आए।
ना मिलाद मनाना कितने लिखे आए तू तो तमन्ना भी नहीं सी की ते अल्लाह ने तेन महबूब का उम्मत ही बना देता। अपने मुकदरा ते नाज कर, अपने नसीबा ते नाज कर, राज राज के नबी पाक का मिलाद मनाओ। गिरामी कदर हजरात जो अल्लाह ने जिबरील नू पैदा किया ना, थकते नहीं तुसी भाई? आए को दो चार बंदे सुभान अल्लाह कह रहे, चलो मैं भी गुजारा कर ही लैना। कैमरे गलों किन्ने लगे? मेरे ख्याल चार पांच कैमरे लगे ने। ते ए, मैं जे घर नहीं पहुंचना ते इन्हें मेरे घर जाने तो पहले पहले इंटरनेट से तकरीर अपलोड कर देनी आती है। अपने अपने ना चैनल बनाए ने ते तुहानू पूरी दुनिया ने वेख लैना ते सारे पाकिस्तान ते पूरी दुनिया वाले लोग आखने साढ़े को आसी साहब आते ही नहीं सुभान अल्लाह ते अपने घर वाले उन्होंने को बोलते ही नहीं। ये तुहाडी भी इज्जत का मामला, रोंद ना मारो तू उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। हजरत मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह तो किसे पूछे हजूर नाम ना लोग चौधरी लिखते हैं चौधरी की होंगे? फरमा पुत्र चौधरी दो होंगे ने। हजूर केड़े? फरमा जिद को मुरबे होना भी चौधरी होंगे, बैंक बैलेंस हो चौधरी होंगे, कोठी छोटी ठीक हो भी चौधरी होंगे। तो हजूर दूसरा चौधरी केड़ा होंगे? फरमा मुरबिया वाला चौधरी मर जाए चौधर मुक जाती है, मुहम्मद का कमी बन के मर जाए कबर च भी चौधर जूंदी रहेगी। हाँ जरा चौधरी बन के आए वो रवे चुप, तो जरा हजूर का कमी बन के बैठा वो बोले सुभान अल्लाह। हजरत जी जदों जिबरील अल्लाह ने बनाया ना, तो जिबरील एडा वड्डा जिबरील। एक दिन हजूर ने फरमाया जिबरील तेरे च ताकत कितनी? याद रखियो जिबरील इतना बड़ा वजूद है कि जिबरील फरमाते ने मेरे 600 पर ने। किन्ने? 600 पर ने जिबरील दे वजूद। एक पर खोल देवे ना तो सारी कायनात उहदे पर दे नीचे आ जाती है। 600 पर ने जिबरील दे। जितनी देर च इंसान अख झपकद है ना, इतनी देर च जिबरील सिदरतुल मुंतहा तो लैके जमीन की तह तो सरा तक 70 चक्कर लगा लैंदा है। इतनी रफ्तार है जिबरील की, इतनी ताकत है। किसे पूछा सी जिबरील तेरे च ताकत कितनी? ते आपने फरमाया एक दिन मैं सिदरा ते बैठा ते अल्लाह ने फरमाया मैं कौमे आद नू अजाब देना ते चार शहर उठा के आसमान ते लैके आ। जिबरील फरमाते ने मैं अपने सब तो छोटे पर दे एक वाल दे नाल चार शहर उठा ले। एक वाल दे नाल चार शहर उठा के आसमान ते लै गए। अल्लाह फरमा जमीन ते पटक दे। जिबरील ने अजाब दिता कि आसमान तो उन्हें शहरों जमीन ते पटकिया तबाह ते बर्बाद कर दिते। पूछने वाले पूछा कि चार शहर एक वाल नाल उठा ले ते बोझ कितना महसूस होया? जिबरील फरमाते ने मैं इंज लग्या जिवें किसी इंसान के जिसम ते मच्छर बह जाता है, इतना बोझ भी नहीं महसूस होया, इतना बड़ा जिबरील। जिबरील अल्लाह ने जो पैदा किया जिबरील उठ के जो अपना वजूद वेख्या ना ख्याल आया मैं अल्लाह का शुक्र ना अदा करा अल्लाह मैंने एडा वड्डा बनाया। जिबरील ने दो रकात नमाज नफल शुकराना। जिबरील ने जो नफलों की नीयत की 70,000 साल च दो नफल पढ़े। किन्ने? 35,000 साल च जिबरील ने एक रकात पढ़ी। दो रकात पढ़द 70,000 साल लग गए। हजरत मुला मोइनुद्दीन काशफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं जब जिबरील ने सलाम फेरी ना तो अर्ज की लै मालिका जे तू मैनू इंज दा बनाया ना तो मैं भी तेरी इंज की इबादत कर चलिया, ना किसी कीती ते ना कोई करेगा। अल्लाह फरमाया जिबरील तेनों बड़ा नाज है अपने दो नफलों से। अर्ज की नाज क्यों ना हो? अल्लाह 70,000 साल ना किसी की उम्र होनी तो ना किसी इंज के नफल पढ़ने तो मैं पढ़ चलिया ना। अल्लाह फरमाया पर मेरी भी सुन ना। फरमाया जिबरील तेरे 70,000 साल दे नफल एक पासे ते कमली वाले दे नौकर दे दो नफल एक पासे, तेरे नफलां नूं मैनूं ओहदे नफल सोहणे लगने ने। जिबरील बड़ी हैरत नाल अर्ज़ कीती या अल्लाह मैं 70,000 साल च दो पढ़े, उन्हें किन्ने सालां च पढ़ने ने? अल्लाह फरमाया सालां सूलां च कोई नहीं, तुहानूं पता ही असीं किंज पढ़ने आ। अद्धा वजू कीता ते अद्धा सुका ही, दौड़ दे दौड़ दे आए। असी नाले नमाज पढ़ जाने नाले दुकान का हिसाब कर जाने। मौल साहब ने चार कातां पढ़ाइया ना जोर दियां ते चौर साहब ने रौला पा दिता। उन्हें आख्या नहीं जी तीन ही पढ़िया गई। आख्या मैं चार पढ़ाइया, सारे नमाजी आखन चारों आके तीन पढ़िया। पूछे क्यों? वो कहंदा मेरी अजे तीन दुकानों का हिसाब होया, एक दा रहंदा है। यानी असी नाले नमाज पढ़ जाने नाले दुकान का
इमाम अबू हनीफा को बंदा आया ना तो उन्हें आख्या सरकार मैं बड़ी कीमती चीज कि रख के भूल गया, को वजीफा दसो याद आ जाए। आपने फरमा 1000 रकात नमाज नफल पढ़ के आ। वो गया थोड़ी देर बाद ना मिठाई का डब्बा चुके ले आए थे, आख्या जी याद आ गई है। फरमान नफल किने पढ़े नहीं, कहता अजय दूजे पे पढ़ता सा। यानी सानू जेड़ी चीज किधरे याद नहीं ना आती वह नमाज याद आ जाती है। साड़िया नमाजा का यह हाल है। मौला अली ने वेख्या ना पेंडू नमाज पे पढ़े तो बड़ी जल्दी जल्दी रुकू खुजू, बड़ी जल्दी जल्दी रुकू सुजूद, कोई खुजू नहीं। उन्हें जदों सलाम फेरिया ना तो मौला अली डंडा पकड़ के खलो गए सिर से, डंडा पकड़ के फरमाए नमाज पढ़ी है चल दोबारा पढ़। उन्हें दोबारा नीयत कर ली, बड़े हौले हौले ना बड़े खुशू खुजू नाल पढ़ी, सलाम फेरिया तो मौला अली बड़े खुश होकर फरमाते ने आ हुई ना नमाज, वो कोई नमाज से हूँ दस वो चंकी क्या चंकी। तो पेंडू कहना जे मारो ना तो चंकी पहली हुई सी। आपने फरमाया कि मैं कहता सरकार ये डंडे दे डर नाल पढ़ी हो रब दे डर नाल पढ़ी से। यानी कि साडा नमाज का आ हाल है कि असी जल्दी जल्दी नबी पाक ने फरमा नमाज का चोर होता है जड़ा जल्दी जल्दी रुकू सुजूद करे। हजूर ने फरमा चोर है नमाज का, तो जड़ा पढ़े ही ना वो तो डकैत ही होया। फिर जबरील ने अर्ज की अल्लाह मेरे नफला नालों उन्होंने नफल चंगे किवें हो गए। अल्लाह ने फरमाया जबरील तेरी बीवी है, अर्ज की अल्लाह कोई नहीं। अल्लाह फरमा तेरे बच्चे या अल्लाह कोई नहीं फरमा तेन खाण पीन की फिक्र। अर्द की अल्लाह कोई नहीं फरमा तेरी दुकान, अर्द की अल्लाह कोई नहीं फरमा तेरा कारोबार, अर्द की अल्लाह कोई नहीं। अल्लाह फरमा तेरा है ही कोई नहीं। पर जो मेरे यार दे गुलाम ने नफल पढ़ने आना है, उन्हें नमाज पढ़ना आना है, उन्हें बीवी छड़ के आना है, बच्चे छड़ के आना है, दुकान बंद करके आना है, कारोबार छड़ के आना है, उन्हें नींद कुर्बान करके आना है। अल्लाह फरमा जिब्रील दस तेरे 70,000 साल वेखा के यार दे गुलाम दिया कुर्बानियां वेखा। इन्ने गुनाह करके भी तू रब नूं सोहणा लगे ते वजह को तू मैं ते नहीं ना, वजह ते कमली वाला ना, तेरे ते साडे ते रब दे दरमियान जाते मुस्तफा है ना। फत्तबियूनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह नूं प्यार है उन्होंने जेडे मुहम्मद अरबी का रंग चढ़ा लेंदे ने। मैं पिछले साल भी अर्ज की, मैं मिसाल देवा एक मिठी जी, पता नहीं हूं किवें दी तकरीर तुसा सुनी जो सुभान अल्लाह नहीं खानी ते थोड़ा होर जोर लगाओ। मैं पिछले साल अर्ज किया बनी इसराइल मछलियां पकड़ते सन ना, मछेरे सन। हफ्ते वाले दिन अल्लाह फरमाया मछलियां नहीं पकड़नियां, सारा हफ्ता पकड़ो, बस हफ्ते वाले दिन छुट्टी करनी। उधर मछलियां दरिया च आउंदियां भी हफ्ते वाले दिन ने, इनिया मछलियां दियां कि हजरत मुफ्ती अहमद यार खनेमी गुजराती फरमांदे ने जिहड़ी मछली दे पेट च हजरत यूनुस अलैहि सलाम 40 दिन रहे ना, हफ्ते वाले दिन मछलियां उस मछली दी ज़ियारत करन आउंदियां सन। अच्छा जिहड़े मछली दे पेट च यूनुस नबी 40 दिन रवे उहदियां मछली ज़ियारत करन आवन ते फरिश्ते उस मां दा भी ते ज़ियारत करन आउंदे होणगे ना जिहदे पेट च 9 महीने कमली वाला वस के आया है। नौजवानों जब बनी इसराइल वाले मछलियां वेखण वास्ते दरिया च गए ना तो उन्होंने वेख्या हफ्ते वाले दिन इनियां मछलियां, तो मछलियां पानी च मुँह कड़ के वखांदियां तो मछेरे दे दिल डोलदे ने कि इनियां तो पकड़नियां भी नहीं। सियाने बैठ गए, सियाने मशवरा दिता कि दरिया च छुट्टियां छुट्टियां नालियां बना के अपने घर तक ले आओ, अपने घर के वेड़े हाउस तक टैंकियां बना लो। हफ्ते वाले दिन जब मछलियां आवन गई तो नालियां के जरिए टैंकियां भर जावन गई मछलियां आके, इतवार वाले दिन पकड़ लवेंगे। बेऐन ही इस तरह होया कि हफ्ते वाले दिन नालियां दे जरिए मछलियां उन्हें घर तक आ गई। यहूदी बड़े राजी कि हसा हफ्ते का अदब भी कर लिया, मछलियां पकड़ियां भी नहीं तो कट्ठियां भी कर लिया, तो पकड़ इतवार नूं लवेंगे। मगर जो ही इतवार का दिन तुलू होया ना वो जेडे रब के हुक्म ना मछलियां इधर आई सन ना उस रब के हुक्म नाल वापस लौट गई। अल्लाह की कुदरत नूं जलाल आया, इन्हें मेरी हुक्म अदूली की थी, इन्हें मेरी गल नहीं मनी,
अल्लाह ने इरशाद फरमाया कूनो किरादतन खासी फरमाया बंदर बन जाओ। यहूदियां दी शक्ल बिगड़ गई, कुछ बंदर बन गए कुछ सूर बन गए। नौजवान जद काम तो घरे आते हो अपने कमरे च जाके आने दे सामने अखियां बंद करके खलो जाया करो, नाले सोचिया करो मैं बचपन च केड़े गुनाह करता रहा, मैं जवानी च केड़े गुनाह कर रहा, मैं बड़े पे च केड़े गुनाह पिया करना। सारी जिंदगी दे गुनाह याद करके अख खोल के आईना वेख, जे तेरी शक्ल नहीं बदली फिर मुहम्मद दा मिलाद मनाया कर, क्योंकि रब तेरे मेरे वल नहीं वेखदा, इते यार नूं यार दा मुंह पिया मारदा। अजीज़ो नाले हिमाने तुम अल्लाह फरमादा रसूल आया कि गुलामा दा मुशक्कत च पैना बर्दाश्त नहीं है। महबूब तू एडा करीम रसूल, एडा रऊफ रहीम रसूल, इन्हें गुनाह करन दे बावजूद जड़िया साड़िया शक्ल नहीं ना बदल दिया, ये सदका जे मुहम्मद दे मिलाद दा, ये उदे जोड़ियां दी खैरात उदे हुसन दी ज़कात। नौजवानों अल्लाह ने सानू रसूल अजमत वाला अता फरमाया।